बहुत गर्म है। गर्म लाइक वेरी हॉट। यस। गुरुद्वारे में कौन पहन के आता है ये? अरे जाप जाप। ठीक है, चावल उबाल रहे हैं सर। हाँ, चावल चावल। मजा आ रहा है। Hey everyone, welcome back to my channel. कसोल में हैं हम और प्लान है आज मणिकरण जाने का। अपनी कैंप साइट पर सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ा सा टाइम पार्वती रिवर पे स्पेंड किया और फिर चल पड़े मणिकरण की तरफ। चलाल में है हमारा कैंप साइट और वहाँ से कसोल तक का रास्ता इतना सुंदर है कि हर बार बस पैदल ही जाने का मन करता है। तो हम बाहर आ गए टूवर्ड्स कसोल बस स्टैंड और वहाँ से मणिकरण के लिए हमने कैब का पता किया। कसोल बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे चलते ही हमें कैब भी मिल गई और हम चल पड़े हैं मणिकरण गुरुद्वारा के लिए। पहुँचते ही ऐसे सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ा और उसके बाद अमेजिंग सी वाइब्स आई। मणिकरण गुरुद्वारा जो कसोल से 4 to 5 किलोमीटर्स था, हमने टैक्सी की फॉर 200 रुपीज एंड हियर वी आर। वाइब भी अलग है। यहाँ भी वाइब है। शूज यहाँ पे आगे जाके यही उतार रहे हैं ना सब। ओह, दिस इज फॉर द बाथ। यू वांट टू गो? अगर आपने मणिकरण के बारे में सुना हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं। इसके बारे में इतनी सारी लेजेंड्स हैं। एक शिव पार्वती जी की लेजेंड है, एक मनु और ह्यूमन काइंड की लेजेंड है और एक सिखिज्म की लेजेंड है। पार्वती वैली के क्रैक्स को इसका साइंटिफिक रीज़न भी बताया जाता है। यही दिस इज़ द हॉट स्प्रिंग, द सल्फर वाटर, जिसमें कहते हैं कि बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। तो लेट्स सी, गर्म हो गई, ये गर्म है कि नहीं देखो, ट्राई करो। बहुत गर्म है। गर्म लाइक वेरी हॉट। यस, पकड़ो इसे। मैं देखो, ओह तो जलता हुआ गर्म है, काफी गर्म है। कैसा लगा होली वाटर? अब इससे क्या मुंह धोए? नहीं, बस हो गया। हाथ धोते हैं, ऊपर चढ़क देते हैं। बट दिस इज इमेजिन। पर ये पानी को टच करने के लिए भी लोग जूते उतार रहे हैं। हाँ चलो, रोकी ना दे। हाँ, साइड पे जूते उतारते हैं, पैर धो रहे हैं। ऑन है। मेरे ऊपर भी डाल। हाँ, मेरे ऊपर भी डाल दो। कैसे मैजिकली कितना गर्म है। कैसा लगा आपको? एकदम तेज गर्म। पता नहीं लोग नहा कैसे रहे हैं इसके अंदर। बॉइलिंग हॉट है, पर कैसे है ना, स्ट्रेंज। बहुत स्ट्रेंज है। हॉट स्प्रिंग और उसमें से गिर रहा है, देखो उस पाइप से आ रहा है, तो कहाँ से निकल के आ रहा है और कैसे पीछे से गर्म करके तो डाल नहीं रहे होंगे। आओ, पानी कितना अच्छा लग रहा है। फुल स्पीड द फियर्स पार्वती। शीना के जूते हैं जॉर्डन के। उसको टेंशन है, गायब हो गए तो वही होएगा। चलो रख देते हैं, देखा जाएगा इनके चक्कर में क्या मंदिर नहीं जाएंगे। मेरे एयर जॉर्डन। और अनाउंस करो, नहीं भी किसी को ले जाना तो ले जाए। सो रेडी टू एंटर द गुरुद्वारा। मैंने मेरे जूते भी छिपा दिए। आई होप कोई किसी की नज़र में ना आए। अनाउंस करके बोल दो, चुरा रहा मत जॉर्डन।
गुरुद्वारे में कौन पहन के आता है ये? कसौल में जिनको हाइक करना होता है वो तो गुरुद्वारे के लिए लाइट वाले रखते हैं ना, पर गुरुद्वारे का रास्ता भी तो हाइक पे था नॉर्मल जूते लाए हो ना? नॉर्मल जूते सब्सिडी होते हैं, मेश वाले जो ट्रैक के लिए नहीं होते। चलो गुरु नानक जी से बोलो सब ठीक रखे। सब ठीक रखे। ओ ये दिस, अच्छा इन्होंने ब्रिज ऊपर तक कर दिया। मणिकरण का ये सिग्नेचर स्पॉट है, यहीं से गुरुद्वारे और मंदिर की एंट्री है और यहीं पे खड़े होके हॉट स्प्रिंग और ठंडे पार्वती रिवर के पानी में से निकलता हुआ धुआं देखा जाता है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंदू और सिख बिलीफ एक ही जगह पे है, तो आप अंदर जाते हो तो आपको गुरुद्वारा मिलता है और वहीं से मंदिर की एंट्री भी मिलती है। चलो पहले गुरुद्वारे में चलते हैं। इधर से हर जप जाप and this is the langar hall. यहाँ बैठे हैं back सब, अच्छा यहाँ खाना गिरा हुआ है। हम लंगर के लिए बैठ गए हैं और अभी तक कढ़ी आई है और इंतजार में है और कुछ मिले। मणिकरण का लंगर उम्मीद भी नहीं किया था मैंने कभी। मैं तो मन बना के आई थी कि लंगर होगा तो पक्का खाएंगे, भूख भी लगा ली थी इसलिए दोपहर का लंच वो भी लंगर। हाँ कढ़ी चावल चने आ गया। लंगर हॉल के साइड पे ही ये वो पॉइंट है जहाँ खड़े होके आप वो एग्जैक्ट प्लेस देख सकते हो जहाँ पे नदी का ठंडा पानी गर्म में मिलता है और ऐसे स्टीम सी निकलती है। सो सब यहाँ खड़े होके टर्न्स लेके देख रहे थे। गुरुद्वारे की एंट्री से जस्ट पहले ही साइड पे चले जाओ तो ये पतली सी एक गली निकल के शिव मंदिर की तरफ जाती है। मम्मी ओ ये कहाँ निकले हम? शिव मंदिर का राइट तो बाजार आ गया कोई सीधा गुरुद्वारे से पूरा एम्बियंस ही चेंज हो गया। शिव मंदिर में भी पार्वती नदी के मैजिकल हॉट वाटर को देखने को मिलता है। यहाँ पे एक छोटी छोटी पुड़ियाँ मिलती हैं, चावल और चने होते हैं और इस पानी के अंदर डुबो के उसे पका सकते हैं। हमने भी वो देखा, शुरू में तो समझ नहीं आया, फिर पता चला ये लोग सब कर क्या रहे हैं। ठीक है चावल उबाल रहे हैं सर। चावल और चने जी कितने अच्छे हैं। यहाँ के नंदी जी की मूर्ति की भी बहुत मान्यता है,
एक कान बंद करके दूसरे कान में जो विश बोलो नंदी जी उसे पूरा करते हैं। और इतने सुंदर नंदी जी थे यहाँ। शिव जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें यहाँ पे। शिव जी और पार्वती जी की स्टोरी तो शायद आपने सुनी ही होगी, और अगर नहीं सुनी है तो जाके गूगल कर लो। जब पता चल जाए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना। साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर देना, उसे शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बस यहाँ से चल के हमने भी नंदी जी के कान में अपनी विश बोली और बहुत अच्छे से शिव जी के दर्शन किए और फिर चल पड़े। मेडिसिनल वाटर चलते चलते एक आखिरी बार इस पॉइंट को देखा जो मणिकरण की ये अद्भुत सी चीज़ है जहाँ पे ठंडा और गर्म पानी मिलता है। बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है जो मेमोरी बन के रहेगी यहाँ की। रास्ता तो नो डाउट बहुत सुंदर है, सब तरफ ऐसे माउंटेन्स, रिवर, और ये इस रोड वाले माउंटेन्स पे तो और ही अच्छा लगता है। अलग से ही है, कुछ स्टोन के माउंटेन्स बने हुए हैं। सो पीछे ट्रैफिक इतना सारा तो दिख ही रहा होगा, तो इसके साथ साथ हम चलते रहे तो अच्छा फील हो रहा था कि देखो इतना ट्रैफिक है, जाम लगा हुआ है, हम तो पैदल निकल रहे हैं। ये बस भी चलती है, कसोल मणिकरण, मणिकरण कसोल, वर्जन, लुक एट दिस, कितने जाम से होके गुजरती है। इसीलिए बेस्ट इज वॉकिंग। जब से चले तब से अभी तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। इसके बाद जो हुआ उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बारिश आ गई है। कैसा लग रहा है बारिश में? पहाड़ों मजा में आ रहा है, मजा आ रहा है। इसीलिए पहाड़ों में जब घूमने जाओ पोंचो लेके चलो। कभी भी बारिश हो सकती है। पोंचो जिंदाबाद। सुबह सड़ रहे थे गर्मी में, अब भीग रहे हैं बारिश में। वो कैंप्स देखो कितने कलो, आई थिंक वो है, वो विलेजेस नहीं बोल रहे हो सकता है। मजा आ रहा है बारिश में भीगने में। थोड़ी देर तो बहुत फन किया, बहुत मज़ा आया बारिश में भीगते हुए, इतना सुंदर रास्ता। लेकिन 5 से 6 किलोमीटर जाना था, पूरे रास्ते बारिश हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वो टफ पार्ट तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया, इतना थक गए थे कि फ़ोन वोन कैमरा सब अंदर रख दिया था और बस चल रहे थे। बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया। और ये ट्रैफिक अभी खाली दिख रहा है, थोड़ी देर में ये फिर से शुरू हो गया था, तो कोई पॉइंट ही नहीं था कि कैब ले लो अब, तो बहुत परेशान हुए। फाइनली हम अब चलाल की एंट्री पॉइंट पे पहुंचे। आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं थी, तो पंचतारा रेस्टोरेंट में पोंचो उतारा और अंदर बैठ गए और एक अच्छा सा डिज़र्ट खाया और अपने होटल में फ़ोन कर दिया कि प्लीज़ हमें पिक कर लो, अब हम और चल के नहीं आ सकते। तो होटल स्टाफ ने हमें पिक कर लिया और वापस ले गए, और फिर फन स्टार्ट हुआ। होटल का रेस्टोरेंट अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, वहाँ पे ये रेनी डे में सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था कि बस पूछो ही मत। बस फिर क्या था, चेंज किया और मस्त वाली चाय मंगवाई,
होटल के रेस्टोरेंट में पार्वती रिवर के पास बैठकर रेनी डे एंजॉय किया और साथ में आगे भी कुछ खाया, वो भी अभी दिखाती हूँ। थोड़े से इंतजार के बाद आया बेस्ट पार्ट। लुक एट दिस, बारिश, पानी, पहाड़ और मैगी। फाइनली हमने अर्ली डिनर के साथ दिन को खत्म किया इस रेस्टोरेंट के अच्छे से घर जैसे खाने के साथ, पनीर और ये तवा रोटी। So that is how our day was. Thank you for watching.